आशा द डिस्क्रिप्टिव न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए वरिष्ठ नगर सेवक दादा सतरामदास जैसवानी जी ने अपना मुंडन करवा कर अनशन शुरू किया है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है। हम भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला की तरफ से उल्लासनगर शासन और प्रशासन की घोर निंदा करते हैं। सत्ताधारी पक्ष का नगर सेवक मुंडन करवा कर अनशन पर बैठे वो भी बुजुर्ग और वरिष्ठ नगर सेवक, ये अत्यंत दुखद है। 3/10/2020 गुरुवार का दिन, काला दिन करके मना रहे हैं हम उल्लासनगर 5 के रहवासी व व्यापारी, क्योंकि उल्लासनगर महानगर पालिका ने करीब 2016 में यहाँ पर एक अवैध डंपिंग ग्राउंड चालू किया है, जिसके लिए न्यायालय ने, शासन ने पहले से आदेश दिया हुआ है कि नया डंपिंग ग्राउंड किसी भी हालत में रहवासी परिसर के पास में नहीं खोलना है। लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका संबंधित अधिकारी, आयुक्त से लेकर जो लास्ट दर्जा रहता है जो पद के ऊपर, सभी अधिकारियों ने नियमन का उल्लंघन कर जनता को जानबूझकर बीमार करने के लिए खड़ी मशीन के पास अवैध डंपिंग ग्राउंड चालू किया। उस अवैध डंपिंग ग्राउंड पे पूरे शहर का कचरा व कचरे के साथ पूरे शहर के मरे हुए जानवर हर रोज लाकर यहाँ फेंकते रहे हैं, जिस कारण पड़ोस में जैसे गोर गरीब लोग रहते हैं जिनके घर बहुत छोटे हैं और उनके परिवार भी बड़े हैं, उनको वहाँ रहना बहुत मुश्किल हुआ है। फिरभाराम नगर, हरिओम नगर, भगत नगर, गोल्डन नगर और आसपास के जितने भी व्यापारी हैं, बाजार पेट में बैठे हैं, सब इस डंपिंग ग्राउंड से पीड़ित हैं, परेशान हैं, एकदम परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है अब 5 नंबर में रहना बहुत कठिन है। गर्मी के दिनों में इतना धुआं निकलता है आग लगने कारण कचरे को, कि सांस लेने तक को कठिन होता है। इस महानगर पालिका से हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि महानगर पालिका कुछ करेगी। अधिकारी यहाँ पे रहते नहीं, बाहर के रहने वाले हैं। बाहर के रहने वालों को क्या परवाह है कि यहाँ के लोगों की सोचे। सुबह को आते हैं, शांति से अपने एसी ऑफिस में बैठते हैं, शाम को अपने कार में बैठ के निकल जाते हैं। उनको कोई परवाह नहीं यहाँ के जनता की। कृपया सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, भारत सरकार को, जनता की जो मुसीबतें हैं उनको पहले देखना चाहिए, जो उनका कर्तव्य बनता है। कृपया फिर से बोल रहा हूँ कि जागिए जागिए जागिए, नहीं तो एक दिन पब्लिक रास्ते पे आ जाएगी, आप लोग को घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, द डिस्कवरी टीवी न्यूज। तो यह थे आज के कुछ मुख्य समाचार। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9388420420। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।